नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन से पहले खेड़ा की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलने का अधिवेशन और चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। 138 साल की कांग्रेस में क्या क्या बदला है, चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के इस अधिवेशन का 24 के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा और समझने की कोशिश करेंगे कि आजादी के बाद अब तक केवल 2 अधिवेशन गांधी परिवार की जगह पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी की अगुवाई में हुए, जिसमें सीडब्ल्यूसी के चुनाव में बहुत बवाल हुआ था। तो क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा या खरगे की अगुवाई में सीडब्ल्यूसी के लिए चुनाव होंगे या सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। 3 दिन के इस अधिवेशन के लिए रायपुर में 15,000 लोगों के रहने के लिए एक पूरा शहर बसाया गया है। 500 रसोइये बुलाए गए हैं और अधिवेशन के बाद एक बड़ी रैली का आयोजन होगा। यानी एक तरफ कांग्रेस के अंदर सुधार के लिए नया संघर्ष होगा तो दूसरी तरफ बीजेपी को टक्कर देने के लिए नई शुरुआत। और इन सब के बीच अमित शाह लगातार कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी बताकर उन्हें घेरने में जुट गए। कल कर्नाटक में फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस परिवार वादी पार्टी है और ये देश और कर्नाटक के भले के लिए कभी काम नहीं करेंगे। तो क्या इस परिवार की लड़ाई से 24 का सियासी रास्ता निकलेगा या परिवारवाद की दुहाई से खरगे की नियुक्ति के बाद सियासी मायने खत्म हो गए हैं। खेड़ा के बखेड़ा, कांग्रेस अधिवेशन और उसका असर, अमित शाह का परिवारवाद वाला बयान, विपक्षी एकता पर मचे घमासान के मुद्दों पर आज बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा। इस अधिवेशन को लेकर बयानबाजी हुई है, अमित शाह ने भी सवाल उठाए हैं। क्या बयानबाजी हुई है वो सुन लेते हैं। पहले महान देश और न्यायिक प्रणाली पर, प्रक्रिया पर मुझे पूरा भरोसा है। आज मत मारो मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा इसी न्याय प्रणाली ने की है। पवन खेड़ा को जिस तरह भाई जहाज से उतार के पकड़ा है, किस लिए पकड़ा है भाई? किस नियम के, किस कानून के तहत पकड़ा है, किस धारा के तहत पकड़ा है उनको? और वो भी केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित डबल इंजन की सरकार है, आसाम की पुलिस, ये मैंने क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र का ऐसा मखौल हो रहा है? ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के साथ किया है, ये निंदनीय है, दुखद है। इस तरह की कार्रवाई और तब जब आप एयरपोर्ट हवाई जहाज में बैठने जा रहे हो, ये बीजेपी की कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है। अधिकार कितने बढ़ गए इनके, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा करके इनके खुद अधिकारी सीढ़ी पे खड़े हो गए। पहले आप अमर्यादित भाषा बोलेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में अपशब्द कहेंगे और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये ओछी घटिया राजनीति केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाअधिवेशन होने जा रहा है, उसके 24 घंटे पहले वहां के मुख्यमंत्री जी के आसपास के जो खास लोग हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड्स होती है, वहां के कांग्रेस के नेताओं के ऊपर रेड्स होती है, आज पवन खेड़ा जी के ऊपर कानून का शिकंजा आ गया, यही तो इमरजेंसी है। कांग्रेस पार्टी जिसने देश के आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है, ये हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।